हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टिकीपीडिया। टिकीपीडिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, वीवो Z1 Pro लॉन्च हुआ, काफ़ी अच्छे स्पेक्स, काफ़ी अच्छे प्राइस के साथ में, एंड दोस्तों काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, नो डाउट आपको इसीलिए इसे फ्लैश सेल में मिला है। पहली बार कोई ऐसा स्मार्टफोन है वीवो का जो आपको फ्लैश सेल में देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें फिर ओप्पो K3, यहाँ आपको 19 जुलाई को अमेजन पर लॉन्च होगा। आप अमेजन पर जाकर 19 जुलाई के बाद परचेस कर सकते हैं, जब भी वो परचेस डेट स्टार्ट होगा। तो इस वीडियो में आपको वीवो Z1 Pro और ओप्पो K3 के बारे में कंपैरिजन मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों दोनों के स्पेक्स लगभग सेम होने वाले हैं और प्राइसेस भी लगभग सेम होने वाले हैं। लेकिन ओप्पो K3 कुछ नए फीचर्स के साथ में आएगा, जैसे इसमें पॉपआउट कैमरा देखने को मिलेगा, आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में आपको दोनों ही स्मार्टफोन के बीच में कंपैरिजन देखने को मिलेगा कि आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन बेटर है, कौन सा स्मार्टफोन आपको परचेस करना चाहिए आपके प्राइस के हिसाब से, आपके नीड्स के हिसाब से। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको क्लियर आपको डिफरेंस पता चल सके कि आपको वीवो Z1 Pro और ओप्पो K3 में क्या क्या मिलता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे पहले परफॉर्मेंस की। यहाँ पे आपको वीवो Z1 Pro में स्नैपड्रैगन का 712 मिलेगा, जो कि इंडिया में पहली बार 712 चिपसेट के साथ में आया है। 4GB की रैम, 64GB का स्टोरेज मिलेगा आपको, एंड 5000mAh की बैटरी मिलेगी, बिग बैटरी है। एंड दोस्तों इसमें आपको USB Type-C मिलेगा, प्लस 15W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। अलग से बात करते हैं, यहाँ डेडिकेटेड माइक्रोएसडी कार्ड का स्लॉट मिलता है, आप माइक्रोएसडी कार्ड लगा के अपने स्टोरेज को एक्सपेंड भी कर सकते हैं। साथ में पबजी के लिए डेडिकेटेड फीचर्स मिलता है, जिससे आप इंजॉय करके उसको पबजी अच्छे से स्मूथ खेल सकते हैं। और पबजी खेलने में आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलता है, जैसे 3D साउंड का, 4D वाइब्रेशन का, ये सब अलग से बहुत सारे साउंड या बहुत सारे इफेक्ट या बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं जो आप इंजॉय कर सकते हैं वीवो Z1 Pro में। दोस्तों अगर बात करें ओप्पो K3 की, तो यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 710 मिलेगा। हालांकि स्नैपड्रैगन 710 और 712 में ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है आपका, उसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया, कार्ड भी दे दूंगा, जरूर आप जाकर देखिएगा, ताकि आपको जितना भी डाउट होगा स्नैपड्रैगन 710 712 के बीच में, तो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। इसमें भी आपको बेस वेरिएंट 4GB की रैम, 64GB स्टोरेज मिलेगी। इसमें भी आप माइक्रोएसडी कार्ड लगा के एक मेमोरी कार्ड को एक्सपेंड कर सकते हैं, स्टोरेज को एक्सपेंड कर सकते हैं। इसमें आपको 3765mAh की बैटरी मिलेगी। इसमें आपको वूक 3.0 का सपोर्ट करेगा, जो कि एक तरह का समझिए फास्ट चार्ज भी, या फास्ट चार्ज ही करता है, फास्ट चार्जर ही एक तरह का। इसमें भी आपको गेमिंग बूस्ट 2.0 मिल जाता है, यानी कि इसमें भी आप गेम अच्छे से खेल सकते हैं, गेम प्ले करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन एक्स्ट्रा जो फीचर है आपको 3D साउंड में, 4D वाइब्रेशन, ये सब आपको नहीं मिलेगा। तो परफॉर्मेंस की बात करूँ तो दोनों ही कुल मिलाकर सेम है, लेकिन पबजी के लिए स्पेशली यहाँ पे आपको 3D साउंड, 4D वाइब्रेशन वगैरह एक्स्ट्रा फीचर मिल जाते हैं, तो थोड़ा सा प्लस पॉइंट वीवो Z1 Pro को चला जाता है। दोस्तों बात करें अगर डिस्प्ले की, तो वीवो Z1 Pro में 6.53 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलता है। इसमें कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है, कोई भी एमोलेड डिस्प्ले नहीं, आपको पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलता है, 90.7% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिलता है। अगर वहीं पे बात करूँ ओप्पो K3 की, तो 6.5 इंच यानी कि डिस्प्ले साइज दोनों का लगभग सेम ही होने वाला है। इसमें भी फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलता है, लेकिन इसमें एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, प्लस अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिलता है, प्लस फुल व्यू डिस्प्ले मिलता है, यानी पॉपआउट कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें आपको सेल्फी कैमरा इंक्लूड किया गया है। तो अगर डिस्प्ले की मामले की बात करूँ, तो व्यू एंगल जो डिस्प्ले है वो काफ़ी अच्छा रहेगा आपको ओप्पो K3 का वीवो Z1 Pro का कंपेरिजन में। अगर डिस्प्ले बेटर चाहिए तो आप ओप्पो K3 की तरफ जा सकते हैं। अगर दोस्तों बात करूँ कैमरे की, तो वीवो Z1 Pro में ट्रिपल लेयर कैमरा मिलेगा, 16MP कैमरा मिलेगा, जिसका एपर्चर 1.78 दिया गया है, प्लस 8MP का 120° का वाइड एंगल कैमरा मिलेगा, जिसका एपर्चर 2.2 दिया गया है। साथ में आपको 2MP का डेप्थ सेंसिंग कैमरा मिलेगा, जिसका एपर्चर 2.4 दिया गया है। आपको इन डिस्प्ले सेल्फी कैमरा भी मिलेगा, जो 32MP का सेल्फी कैमरा होगा, यानी कि सेल्फी कैमरा भी काफ़ी अच्छा है, 32MP का कैमरा है, जिससे का एपर्चर आपको 2.0 मिल जाता है, आप आराम से अच्छा पिक्चर क्वालिटी ले सकते हैं। वहीं बात करें अगर ओप्पो K3 की, तो इसमें आपको डुअल रियर कैमरा मिलता है, 16+2MP का कैमरा मिलता है। अब साथ में सेल्फी के लिए भी आपको जो पॉपआउट कैमरा मिलता है वो भी 16MP का ही कैमरा मिलता है। तो कैमरे के मामले में भी कहीं ना कहीं यार आपको वीवो Z1 Pro थोड़ा सा बेटर हो जाता है। तो कुल मिलाकर अब बात करो डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की, तो आपको दोनों में ही पॉलीकार्बोनेट दिया गया, किसी में मेटल फिनिश नहीं है, यानी दोनों में ही आपको पॉलीकार्बोनेट दिया गया, लेकिन दोनों का फिनिश काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ग्लॉसी है, लुक आ जाता है आपका, इन हैंड प्रीमियम लुक आता है, जो कि लुक काफ़ी अच्छा आ जाता है। तो लुक के मामले में दोनों ही स्मार्टफोन ठीक ठाक है। अगर इसमें अगर नए फीचर्स, पॉपआउट कैमरा, इन डिस्प्ले, फिंगरप्रिंट चाहिए, तो ओप्पो K3 की तरफ जा सकते हैं। लेकिन आपको परफॉर्मेंस बेटर, कैमरा बेटर चाहिए, तो आप यहाँ पे वीवो Z1 Pro की तरफ जा सकते हैं। दोनों का प्राइस लगभग सेम ही होने वाला है। तो दोस्तों अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा फीचर चाहिए, क्या चाहिए, नहीं चाहिए। मेरा काम था दोनों के बीच में डिफरेंस बताना। मेरे हिसाब से देखेंगे तो आपको अगर नए लुक में जाना है तो ओप्पो K3 की तरफ जा सकते हैं, अगर आपको परफॉर्मेंस अच्छा चाहिए, कैमरा अच्छा चाहिए, तो आप वीवो Z1 Pro की तरफ जा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था, उम्मीद है इस वीडियो में देखने के बाद आपको वीवो Z1 Pro ओप्पो K3 के बीच में सारा डिफरेंस था, सारा डाउट था क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे टेक्नोलॉजी वाले वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ सब, बाय।